नाइन्थ क्लास का जो हमारा चल रहा था एक्सरसाइज चल रही थी 5.1। और अपनी बुक खोलिए, बुक खोलने के बाद में हम कहाँ किस कौन से क्वेश्चन पर आ गए थे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा, जो क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये कहा कि आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर है बी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। देखो चित्र, देखो चित्र यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये चित्र है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, फिर बी सी डी, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है सी और यहाँ पर क्या है डी। ये इस टाइप से इसने पॉइंट दिए हुए हैं। इसने कहा कि यदि ए सी बराबर बी डी, यदि ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर क्या है बी डी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है ए सी बराबर, वो सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ये हमें सिद्ध करना है। देखो यहाँ चित्र में देखो, यहाँ इसने कहा कि ए सी बराबर, ये जो ए सी है ये इसका मिड पॉइंट है और ये बराबर दिया हुआ है किसके, बी डी के। यहाँ से यहाँ तक बी डी के बराबर इसने दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी। ए बी कहाँ है, ए बी ये रहा, ए बी बराबर किसके है सी डी के, ए बी बराबर सी डी हमें प्रूफ करना है। अब इस चित्र में देखो, यहाँ पे ए सी बराबर है बी डी के, ए सी भाई कहाँ है, ए सी, ए सी बराबर किसके आ रहा है यहाँ पर बी डी। अब ए सी जो है, ए सी अब यहाँ से यहाँ तक है, ए सी को मैं लिख सकता हूँ कि ए बी प्लस सी, ये बी सी भाई, ए सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी लिख सकता, नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की रेखा है। यहाँ तक देखो भाई, जब यहाँ तक ये रेखा है, यहाँ से इसने कहा ए सी, अब ये ए सी से हमसे मिड जो यहाँ पर ये पॉइंट है, इसे तोड़ कर लिख सकते हैं कि ए बी प्लस के बी सी, लिख सकते नहीं लिख सकते। अब बराबर, अब यहाँ पर क्या है बी डी, बी डी कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक ये बी डी है। अब इस बी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं, बी सी प्लस सी डी, क्या लिख सकता, बी सी प्लस सी डी, लिख सकता नहीं लिख सकता। अब दोनों साइड में देखो, यहाँ भी बी सी है और यहाँ भी बी सी है, ये क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, ए बी, ए बी बराबर क्या हो गया सी डी, और यही क्या हमें प्रूफ करना था कि ए बी बराबर सी डी। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ए बी बराबर क्या था बी सी, भाई यहाँ पे ए सी बराबर क्या था बी डी, ए सी को लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी, इसके बाद में यहाँ बी डी था, बी डी को क्या लिख सकता हूँ मैं चित्र में, यहाँ पर बी सी प्लस सी डी, ठीक लिख सकता हूँ। लिखने के बाद में जो दोनों बी सी आपस में कट गए, क्या बचा, ए बी इधर बच गया और सी डी इधर बच गया, यही क्या हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 7, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा यूक्लिड की अभिग्रंथियों की सूची में दिया हुआ अभिग्रंथ 5.1 सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है, ठीक हमें ये बताना है कि यह जो हमने पहले लिखवाए थे कि 7 तो इसकी अभिग्रंथियाँ होती हैं और 5 अभिधारणा, हमें ये बताना है कि यह सत्य क्यों माना जाता है। देखो पृथ्वी में ब्रह्मांड में जो इसका पांचवा अभिग्रह था, पांचवा अभिग्रह ये था कि अगर हम किसी पूर्ण, वही पूर्ण है, पूर्ण इधर भी कोई पूर्ण है और इधर भी क्या है कोई पूर्ण है, इसमें मैं कुछ भी अगर जोड़ता हूँ, बिल्कुल सेम चीज़ अगर कुछ भी जोड़ता हूँ कि एक्स इधर जोड़ता हूँ और एक्स इधर जोड़ता हूँ, दोनों साइड जब मैं जोड़ता हूँ तो वो पूर्ण ही आता है, ठीक। अगर हमारे पास यहाँ पर पूर्ण हमारे पास 10 रुपये हैं और इधर भी किसी दूसरे बंदे के पास, इसके पास भी कितने हैं 10 रुपये हैं, मैंने ये कहा कि भी दोनों बराबर थे, पूर्ण था, अभी ग्रंथि में हमने यही तो पढ़ा कि पूर्ण है, 10 रुपये इधर है, 10 रुपये इधर है। अब इसमें यह कहा कि हमने इसमें 5 रुपये इधर ऐड कर दिए और 5 क्या करे, 5 इधर ऐड कर दिए, जब 5 इधर ऐड करे, 5 इधर आए तो इनका पूर्ण कितना आएगा, 10 और 5 कितने हो गए 15, और यहाँ पे 10 और 5 कितने हो जाएंगे 15, तो दोनों बराबर ही तो आ जाएंगे, ये दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो इसी के बाद बस ये क्वेश्चन नंबर 7 तक ही थे इसमें, अगली जो एक्सरसाइज होगी नेक्स्ट लेक्चर में अगली एक्सरसाइज कराएंगे। थैंक्स।